इस वक्त एक और अहम खबर यहां पर आ रही है। देश भर में 100 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त एनआईए के छापे दिए जा रहे हैं। ड्रग्स, आतंकवाद और गैंगस्टर मामले को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। देश भर में 100 से ज्यादा ठिकाने हैं जिस पर इस वक्त एनआईए की छापेमारी जारी है। बड़ी खबर, ड्रग्स आतंकवाद के साथ साथ उसमें यह भी जताया जा रहा है कि कहते हैं लॉरेंस गोल्डी के करीबियों पर बड़ी कार्रवाई है ये एनआईए द्वारा। इस पर बात करने के लिए नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, एनआईए का बड़ा एक्शन, ड्रग्स आतंकवाद और गैंगस्टर गठजोड़ के मामले में कार्रवाई, खासतौर पर लॉरेंस गोल्डी के करीबियों पर इसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। नीरज, नीरज अभी हमारे साथ नहीं जुड़े लेकिन नीरज मेरा सवाल आप तक पहुंच गया। मैं दोहराऊं आपको, आपके लिए सवाल एक बार, कि किस तरह से ये जो 100 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए के छापे हैं जिसमें लॉरेंस और गोल्डी पर भी कहीं ना कहीं इसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल बड़ी कार्रवाई है और इससे पहले भी चल, अगर आप देखें एनआईए ने गैंगस्टर और आतंकवाद का जो गठजोड़ है उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की थी और कई सारे गैंगस्टरों पर शिकंजा भी कसा था। आपको पता है कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर ये गैंगस्टर अपना होल्ड बना रहे हैं और खासतौर से हरियाणा में जो गैंगस्टर मौजूद है वो एक तरीके से पंजाब में जो सिंगर जो तमाम लोग हैं, इसके अलावा कुश्ती और खेल के जो तमाम मामले हैं उनमें अपना एक तरीके से होल्ड बनाना चाहते हैं। और यही कारण है कि आप देखें कि जो पाकिस्तान के थ्रू ड्रग्स आता है उसमें अब आतंकवादियों ने गैंगस्टरों को शामिल किया है ताकि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो सीधे सीधे आतंकवाद के ऊपर उंगली ना उठा सके। यही वजह है कि वो बड़े पैमाने पर पैसा भी इन गैंगस्टरों को दे रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं ताकि इस ड्रग्स की जो सप्लाई है उसको करके जो पैसा इकट्ठा हो वो आतंकवादियों तक पहुंचाया जाए। और आज की जो कार्रवाई, करीब 122 जगह पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है जिसमें 6 स्टेट शामिल है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, इसके अलावा पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है और दिल्ली। यहाँ पर एनआईए की जो छापेमारी है वो अभी लगातार चल रही है और जिसमें आपने देखा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और इसके अलावा गोल्डी बरार गैंग ने किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बात को स्वीकार किया है। आप देखें तिहाड़ जेल में जिस तरह से काला जेठिया की हत्या की गई, इसके अलावा जो तिब्बतिया है उसकी जो हत्या की गई, तो ये एक बड़ा गठजोड़ है और इसको पीछे से बैकिंग पाकिस्तान से मिल रही है। जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन है वो इनको पैसा भी दे रहे हैं और हथियार भी पहुंचा रहे हैं अत्याधुनिक। बिल्कुल, और 14 ये राज्य थे जिसमें 28 ऐसे गैंगस्टर्स हैं जिनकी सूची एनआईए ने एमएचए को सौंपी थी, मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है, उसके बाद ये हरी झंडी दिखाई गई और ये